आपको अहम खबर से अपडेट करें। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कल से एहतजाज का ऐलान कर दिया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन लाहौर का अहम इजलास हुआ। इजलास में जुज़वी हड़ताल का ऐलान किया गया है। बास इलाकों में दुकानें कुछ देर के लिए बंद रखी जाएंगी। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा, मुतालबात मंजूर न हुए तो 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में मुकम्मल शटर डाउन किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कल से एहतजाज का ऐलान कर दिया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन लाहौर का अहम इजलास हुआ। इजलास में जुज़वी हड़ताल का फैसला किया गया है। बाज़ इलाकों में दुकानें कुछ देर के लिए बंद रखी जाएंगी। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में मुकम्मल शटर डाउन किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सील जान लेते हैं अशरफ महताब से। जी अशरफ, बिल्कुल, आज ही एक इजलास हुआ है लाहौर की क़यादत के साथ, जिसकी इजलास की सरबराही जो है सरदार खान कर रहे थे, लाहौर के चेयरमैन। तो वहाँ पे फैसला हुआ है कि चूंकि जो कीमतें बिलाजवाज बढ़ाई गई हैं, जो मार्केटिंग कंपनी है, प्रोड्यूसर हैं, उनकी जानब से कुछ तकरीबन 1 महीने में 83 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, और इसका जो है असर जो होता है वो आम दुकानदार जो LPG बेचते हैं उन पर होता है। उनको पुलिस पकड़ती है, उनको सिविल डिफेंस वाले आके बता लेते हैं और उनके खिलाफ पर्चे होते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। जबकि ये जो कीमतें बिलाजवाज बढ़ाई जाती हैं, ये प्रोड्यूसर जो है पैदा करते हैं LPG, उनकी तरफ से जो मार्केटिंग कंपनी है जो आगे बेचती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि ओग्रा ने इसकी कीमत जो फी किलो है वो 177 रुपये मुकर्रर कर रखी है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये पकड़ तक बंद ना हुई, LPG की बिलाजवाज कीमत में कमी ना हुई, तो वो कल से फिर उन्होंने लामती हड़ताल शुरू कर दी है और सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे के लिए दुकानें बंद होगी लाहौर की, और फिर मुकम्मल जो शटर डाउन हड़ताल होगी मुल्क भर में 5 से 6 अगस्त को होगी, जिसमें तमाम मुल्क भर की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइंट है, यानी कि ये दुकानें हैं जो यहाँ पे LPG फ्रोक्स करती हैं, वो बंद रहेगी। इससे LPG की सप्लाई पे भी असर पड़ेगा, और दूसरा ये है कि जो रिक्शा है उसमें तकरीबन 90% से ज्यादा रिक्शे में LPG इस्तेमाल होती है, बाज जो है वो और भी गाड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं। तो घरेलू सार्फिन में खासतौर पर जो ऐसे सार्फिन जहाँ पे कुदरती गैस नहीं है, तो सारे LPG इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो वैसे भी गैस की टाइमिंग है, उसके अलावा आती नहीं है, तो फिर भी LPG आम घरों में भी इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह से लोगों को, सार्फिन को मुश्किलात का सामना कल से करना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर 5 और 6 को मजीद होगा। तो उनका कहना है जो अरबाब इख्तियार हैं, ओग्रा है और बाकी हैं, वो उनके मुतालबात मंजूर करें। एक राउंड इनका मुजाकरात का हुआ जो नाकाम हुआ था, अब वो चाहते हैं कि दोबारा जो है वो उनके मुजाकरात हो और उसके अंदर जो उनके जहन मुतालबात है वो माने जाए। अगर ना माने गए तो फिर 5-6 को हड़ताल करेंगे, उसके बाद भी अगर उनकी सुनवाई ना हुई तो फिर वो आइंदा का लाहे अमल तैयार करें, जिसमें गैर मुना मुदत के लिए भी हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। जी ठीक है अशरफ महताब, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।